राजधानी रायपुर में मंगलवार तड़के एक इस्पात फैक्ट्री में मजदूर की मशीन की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसा मशीन की बेल्ट को ठीक करने के दौरान हुआ। हादसे के बाद मृत मजदूर के परिजन व साथी वहां एकत्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भिजवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जेठौर गांव निवासी शिवम कुशवाहा उम्र 25 साल यह न्यू राजेंद्र नगर उड़ला में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। उड़ला स्थित अविनाश इस्पात फैक्ट्री में 3 साल से फोरमैन के रूप में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे एक मशीन की बेल्ट खराब हो गई। उसी का सुधार कार्य चल रहा था। उस दौरान शिवम के गले में लटका गमछा मशीन में फंस गया। अचानक गमछा फंसने से शिवम संभल नहीं पाया और मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ये अपने उड़ला थाना क्षेत्र में अविनाश इस्पात करके फैक्ट्री है, जिसमें शिवम कुशवाहा जो सीधी का रहने वाला है, मजदूरी काम करता था, फॉरमैन सेक्शन में हेल्परी का काम करता था। जो रात में 4 बजे के लगभग अपने ड्यूटी में गया था, तो इस दौरान ग्लोबल मशीन के बेल्ट में फंस जाने से दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई है। जब सुबह जब उनके परिजनों को जानकारी मिली तो वो लोग मौके पर गए थे और ये जानकारी मिली कि घटना से मौत हो चुकी है, तो अभी थाने में आए हैं और घटना की जानकारी दी है। इस पर मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई पंचनामा में लिया गया। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजन समेत साथी मजदूर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची उड़ला पुलिस लोगों को समझाया। बताया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारियों से बातचीत के बाद सहमति बन गई है। फिलहाल किस वजह से यह घटना हुई इस मामले की भी जांच पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।